हेलो फ्रेंड, ब्लोफिश एल्गोरिदम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। तो इस वीडियो में हम ब्लोफिश एल्गोरिदम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे ब्लोफिश एल्गोरिदम क्या है, इसे किसने डेवलप किया था, ब्लोफिश एल्गोरिदम के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है और ये एल्गोरिदम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब पॉइंट हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लोफिश एल्गोरिदम। सबसे पहले ब्लोफिश एल्गोरिदम की शुरुआत कब हुई थी वो देखेंगे। ब्लोफिश एल्गोरिदम एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है और ब्रूस सिनर ने 1993 में इसे डेवलप किया था। इसका फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन लैबव्यू सॉफ्टवेयर को इनक्रिप्ट करने के लिए हुआ था। तो ब्लोफिश एल्गोरिदम के कुछ मेन फीचर्स है जिन्हें मैंने चार पॉइंट में डिवाइड किया है, तो उसे पॉइंट वाइज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज ब्लोफिश एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है और इसमें सेंडर और रिसीवर सिंगल की को शेयर करते हैं और वही की डेटा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट इज ब्लोफिश इज अ ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम। ब्लोफिश एक ब्लॉक साइफर एल्गोरिदम है क्योंकि इसमें डेटा इंक्रिप्ट करने के पहले ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेज को नंबर ऑफ 64 बिट ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है और 64 बिट ब्लॉक को एट अ टाइम इंक्रिप्ट किया जाता है, इसलिए इसे ब्लॉक साइफर कहेंगे। थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी रिप्लेसमेंट ऑफ DES एंड ID एल्गोरिदम। हम इसे DES और ID एल्गोरिदम का रिप्लेसमेंट भी कह सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज ब्लोफिश एल्गोरिदम बाकी सिमेट्रिक की एल्गोरिदम से ज़्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ब्लोफिश एक अनपैटेंटेड एल्गोरिदम है। जब ब्रूस सिनर ने इसे रिलीज किया था तब DES जैसे सिमेट्रिक एल्गोरिदम पैटेंटेड थे और गवर्नमेंट और कमर्शियल एप्लीकेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए यूज़ होते थे। तो गवर्नमेंट और कमर्शियल एजेंसी ने इनका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल सीक्रेट रखा था ताकि नॉन गवर्नमेंट यूज़र और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज इनका यूज़ ना कर सके। बट ब्लोफिश एल्गोरिदम एक अनपैटेंटेड एल्गोरिदम है, इसकी वजह से सॉफ्टवेयर कंपनीज, प्राइवेट एजेंसीज के सॉफ्टवेयर डेवलपर ब्लोफिश एल्गोरिदम को फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर से लेकर साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए इसे वाइडली यूज़ करते हैं। लेट्स सी द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लोफिश एल्गोरिदम। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इट इज़ फास्टेस्ट डेटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ब्लोफिश एल्गोरिदम डेटा को सबसे कम टाइम में इंक्रिप्ट करता है और इसका डेटा इंक्रिप्शन रेट बाकी सिमेट्रिक की एल्गोरिदम से ज़्यादा है, तो इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी कम्युनिकेशन लिंक को इंक्रिप्ट करने के लिए ब्लोफिश एल्गोरिदम का वाइडली यूज़ करती है। अगर 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर की बात करें तो उस मशीन पे 26 क्लॉक साइकिल पर बाइट से वो डेटा को इंक्रिप्ट करता है, इसलिए ब्लोफिश एक फास्टेस्ट इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इट इज़ अ कॉम्पैक्ट एल्गोरिदम। ब्लोफिश एल्गोरिदम सबसे कम टाइम में डेटा को इंक्रिप्ट करता है और इसे एग्जीक्यूट होने के लिए 5 KB से भी कम मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर में हम इसे आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर रन कर सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव इट इज़ अ सिंपल एल्गोरिदम। ब्लोफिश एल्गोरिदम डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए सिंपल और प्रिमिटिव ऑपरेशन यूज़ करता है, जैसे एडिशन, XOR, टेबल लुकअप। ये ऑपरेशन इसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन सिंपल और आसान बनाते हैं। एडिशन, XOR, टेबल लुकअप जैसे ऑपरेशन रन करने के लिए कम टाइम और कम मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इट इज़ अ सिक्योर्ड एंड स्ट्रॉन्ग एल्गोरिदम। ब्लोफिश को हम वेरिएबल की लेंथ एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। डेटा इंक्रिप्ट करने के लिए वो वेरिएबल की को यूज़ करता है, इसकी वजह से ये एल्गोरिदम सिक्योर और स्ट्रॉन्ग है। लेट अस सी द स्ट्रैटेजीज एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस एल्गोरिदम। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि ब्लोफिश एल्गोरिदम डेटा इंक्रिप्ट करने से पहले ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट मैसेज को नंबर ऑफ 64 बिट ब्लॉक में डिवाइड करता है और 64 बिट ब्लॉक को एट अ टाइम इंक्रिप्ट करता है। ब्लॉक इंक्रिप्शन के बाद 64 बिट साइफर टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है। साइफर टेक्स्ट को हम नॉन रीडेबल टेक्स्ट कहते हैं। इसमें वेरिएबल की यूज़ होती है और की का लेंथ 32 बिट से 448 बिट तक वैरी हो सकता है। ब्लोफिश एल्गोरिदम के दो पार्ट है, वन इज की एक्सपेंशन पार्ट एंड अदर इज डेटा इंक्रिप्शन पार्ट। की एक्सपेंशन पार्ट में ओरिजिनल कीज को सब कीज में कन्वर्ट किया जाता है। 32 बिट से लेकर 448 बिट तक की को 4168 बिट सब कीज में कन्वर्ट किया जाता है और ये सब कीज 16 राउंड ऑपरेशन में यूज़ की जाती है। इस एल्गोरिदम में 16 राउंड होते हैं और फोर लार्ज सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस यूज होते हैं। हर एक राउंड में की डिपेंडेंट परम्यूटेशन और की डिपेंडेंट सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ये ऑपरेशन क्या है, ब्लोफिश एल्गोरिदम एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
लेट अस सी द एप्लीकेशन ऑफ ब्लोफिश एल्गोरिथम। ब्लोफिश एल्गोरिथम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर से लेकर साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन को इनक्रिप्ट करने के लिए, डेटा को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज फाइल इंक्रिप्शन और डिस्क इंक्रिप्शन के लिए भी ब्लोफिश एल्गोरिथम को यूज करती है, जैसे ब्लो टॉर्च, GNUPG, क्रिप्टो डिक्स, बी क्रिप्ट जैसे एप्लीकेशन फाइल और डिस्क इंक्रिप्शन के लिए इसे यूज करती है। पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लोफिश एल्गोरिथम का यूज करती है। पासवर्ड वैलिड, पासवर्ड प्लस, पासवर्ड स्टोर ये पासवर्ड मैनेजमेंट एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए इस एल्गोरिथम का यूज करती है। डिफरेंट टाइप्स के बैकअप सॉफ्टवेयर बैकअप डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए ब्लोफिश को यूज करती है। हैंडी बैकअप, LEO बैकअप, क्रैश प्लान ये बैकअप सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए भी ब्लोफिश एल्गोरिथम वाइडली यूज होता है। SQL सर्वर 2000, SQL सर्वर 2000 DBA टूलकिट जैसे सॉफ्टवेयर ब्लोफिश एल्गोरिथम को यूज करते हैं। ई कॉमर्स एप्लीकेशन पेमेंट डेटा, कार्ड होल्डर डेटा, क्रेडिट कार्ड डेटा इनक्रिप्ट करने के लिए ब्लोफिश एल्गोरिथम को यूज करते हैं। CS कार्ड और X कार्ड एप्लीकेशन इसे यूज करती है। तो इस वीडियो में हमने ब्लोफिश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका वर्किंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।